ओके, शीट नंबर 74, शीट नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर हमने नॉर्मल काइनेमेटिक्स में कुछ इक्वेशंस की थी, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। जब भी बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो लीनियर मोशन के अंदर वो कौन सी इक्वेशंस फॉलो करती है, वो नॉर्मल काइनेमेटिक्स का पार्ट था। अब रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, जब कोई बॉडी क्या करेगी, रोटेट, तो उसमें कौन कौन सी इक्वेशंस लगेंगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा जो है टी का स्क्वायर, और ऐसी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू थीटा। इसके ऊपर कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमने की हुई है ऑलरेडी रोटेशनल सर्कुलर मोशन में, अगर आपको याद हो। और मैं हमेशा बोला करता था, काफ़ी टीचर्स रोटेशनल के साथ सर्कुलर करवाते हैं। अब सोचो रोटेशनल खुद इतना लंबा है, सर्कुलर भी इतना लंबा है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने सर्कुलर पहले करवा दिया, और सर्कुलर के अंदर मैंने ये इक्वेशंस को यूज़ करना भी सिखाया था। बस 5 मिनट लगा के मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सर्कुलर की, कैसे किया करते थे, उसके बाद फिर रोटेशनल पे आते हैं। तो हम ऐसा किया करते थे, इफ़ अ पॉइंट मास रोटेट्स विद अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा, जिसके यूनिट्स किस में होते हैं, रेडियंस पर सेकेंड में, राइट, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है, कन्फ्यूजन ये रहती है कि जिन क्वेश्चन में आपको जैसे वेलोसिटी क्या गिवन है, 2 RPS, अगर सर्कुलर मोशन याद हो तो R का मतलब कई लोग सोच लेते हैं कि वो रेडियंस पर सेकेंड है, नहीं वो रेडियंस नहीं है, वो रेवोल्यूशंस हैं या रोटेशंस हैं, एक ही बात है। तो रेवोल्यूशंस पर सेकेंड चाहे वेलोसिटी लिखी हो, पर हम इसको क्या लेके चलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको रेडियंस पर सेकेंड नहीं करेंगे। और कई लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन में कि बॉडी इज रोटेटिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 RPS, तो भी आप इसको वेलोसिटी ओमेगा नहीं लेंगे, ओमेगा एक ही हर हालत में एक ही बार लेंगे जब आपके यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड होंगे। अगर आरपीएस है, चाहे वेलोसिटी लिखे, तो भी आपने फ्रीक्वेंसी लेना है, और यहां से फिर आप ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा अगर आपको याद हो, 2π × फ्रीक्वेंसी, 2π × 2 क्या हो जाएगा, 4π radians per second, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है यहां तक। और अगर आपको वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी 2 RPM गिवन है, तो RPM का मतलब क्या है, RPM का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट, 2/60 RPS, तो 60 से डिवाइड करके RPS में करेंगे, और उस रहेगी फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π × फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर गिवन है, इफ अ पॉइंट मास रोटेट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 2 radians per second, ये इनिशियल है, मैं इनिशियल को ओमेगा नॉट के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 4 radians per second, तो ये क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ओमेगा गिवन है फाइनल, और कितनी देर में, 2 सेकेंड में, तो टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड गिवन है। क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आप खुद सोचो, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, ओमेगा बढ़ने का मतलब इसमें अल्फा होगा, क्योंकि जो काम पिछले चैप्टर में ए करता था, वो काम इन चैप्टर में अल्फा करेगा। तो इसके अंदर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फाइनल ओमेगा 4 पता है, इनिशियल 2 पता है, टाइम 2 पता है, तो यहां से अल्फा आएगा, और अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे, रेडियस पर सेकेंड का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। इसी क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि एंगल बताओ, कितना कवर किया एक बॉडी ने इतने टाइम में, तो एंगल का मतलब थीटा, तो थीटा की इक्वेशन क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट हमें पता है 2 radians per second, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, हाफ अल्फा 1 है और 2 का स्क्वायर, टाइम 2 का स्क्वायर, सॉल्व करके रेडियंस में आंसर क्या आएगा, 6 radians आएगा। तो बॉडी ने कितने रेडियंस कवर किए, 6 radians कवर किए, ठीक है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बॉडी इज मूविंग और रोटेटिंग ऑब्वियसली विद 10 radians per second, तो ओमेगा आपको गिवन है 10 radians per second, इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो ये ओमेगा नॉट इसमें 10 है, तो फाइनल ओमेगा कितना है, 0, ब्रॉट टू रेस्ट, और कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। फाइंड एंगुलर रिटार्डेशन, ऑब्वियसली ओमेगा इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो अल्फा पॉजिटिव नहीं होगा, अल्फा इसमें नेगेटिव होगा, तो अल्फा बताओ इसमें कितना होगा 5 सेकेंड में,
तो अप्लाई करो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, फाइनल ओमेगा कितना है 0 और इनिशियल कितना है 10 और टाइम कितना है 5, तो अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड विद नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड है। क्या स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी के अंदर, ये बताओ कि 5 सेकेंड में रुकती 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 बॉडी ने एंगल कवर किया सेंटर पे थीटा, तो वो थीटा कितना है? तो फिर से एक बार थीटा के लिए लगाओ ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। किसी ने कहा दूसरी क्वेश्चन लगा सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू एल्फा थीटा लगा सकते हैं, वहां से भी कर हो जाएगा, काइनेमेटिक्स है, यहां से भी हो जाएगा। ओमेगा नॉट कितना है 10, 5 सेकेंड है, एल्फा हमने ऊपर कितना निकाला माइनस टू, 5 सेकेंड है, कितने रेडियंस आ गया 25 रेडियंस। सर्कुलर मोशन याद आ रहा है कि सेम काइनेमेटिक्स यूज करते हैं। उसी तरीके से बॉडी कवर्ड थीटा 1 रेडियंस इन 2 सेकेंड एंड थीटा 2 इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो बॉडी ने थीटा 1 एंगल कवर किया 2 सेकेंड में और थीटा 2 एंगल कवर किया अगले 2 सेकेंड में। अगले 2 सेकेंड का मतलब शुरू से कितने सेकेंड हो चुके हैं 4 सेकेंड। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, दोनों का थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो निकालना है। अप्लाई करो थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। केस नंबर 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है थीटा 1, इनिशियल ओमेगा क्या है 0, कितने टाइम में 2 सेकेंड में, अल्फा मुझे पता नहीं, इक्वेशन नंबर 1। फिर केस नंबर 2, स्टार्टिंग से थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि अब थीटा 2 नेक्स्ट 2 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है, तो स्टार्टिंग से कितनी है थीटा 1 प्लस थीटा 2, इनिशियल ओमेगा 0 हाफ इंटू एल्फा इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि टोटल टाइम कितना हो गया 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेते हैं, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हाफ हाफ कैंसिल तो 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं थीटा 1 बाई थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 2 बाई थीटा 1 हमें निकालना है, तो थीटा 2 बाई थीटा 1 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 हो गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार रिपीट भी होता है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसमें काइनेमेटिक्स में। इस पूरे काइनेमेटिक्स में फिर से एक अजम्पशन है कि कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है उसकी शेप के ऊपर ये काइनेमेटिक्स डिपेंड नहीं कर रहा, वो रिंग रोटेट कर रही थी, डिस्क कर रही थी, पॉइंट मास कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आज के बाद बॉडी रिंग होगी, डिस्क होगी, स्फेयर होगा, उस पे मैटर करेगा। इसलिए अब हम अपने इस चैप्टर को या फिजिक्स को शेप्स के ऊपर लेके आ रहे हैं कि शेप कैसे अफेक्ट करता है रोटेशन में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए शुरू से अब तक वो पॉइंट मास के हैं, और अब हम क्या करने वाले हैं, शेप्स के ऊपर काम करेंगे। इसीलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट शीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन उससे पहले एक और शीट आपको मिली होगी, शीट नंबर 75। शीट नंबर 75 रिकॉर्डिंग वाले लोग प्रिंट आउट लेंगे शीट नंबर 75। तो वैसे तो ये शीट मैंने करवा दी थी सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास फॉर वेरियस बॉडीज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन का कहाँ करेगा, हेमिस्फेयर का कहाँ करेगा, मैंने हाथ से शीट लिख के दी थी आपको और कहा था फॉर्मूले याद कर लेना, राइट। इसके अंदर ये 2 एक्स्ट्रा फिगर्स हैं, आज तक आई नहीं है, हर साल बता के छोड़ देता हूँ, किसी दिन तो आएगी। तो फॉर्मूला, अगर ये एक रिंग थी, रिंग का एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया आर्क, इस आर्क के सेंटर पे एंगल बनाया 2 थीटा, तो ये आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है एक्स पे, तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आर साइन थीटा बाई थीटा होगा, ये याद करना है। ऐसे अगर डिस्क है, डिस्क का एक स्लाइस ले लिया, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है एक डिस्क का, वही काट के बनाया होता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं होगा, जिसका ये फॉर्मूला 2r sin थीटा बाय 3 टाइम्स थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी।